For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइला अली है और मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों के दिमागी अमराज की माहिर। मैंने अपना सफ़र 2007 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर से शुरू किया। पहले मैंने बच्चों के अमराज में डिग्री हासिल की और फिर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था बच्चों के दिमागी अमराज में, तो उस पर मैंने ट्रेनिंग हासिल की और डिग्री ली। आजकल मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ बच्चों के दिमाग के यूनिट में, और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है बच्चों की पट्ठों की बीमारियों में और मिर्गी के मर्ज में। इससे रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग हासिल की आगा खान यूनिवर्सिटी से भी, और मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रहती हूँ, और रिसर्च में भी हमारा लंदन से और अमेरिका से जो है एक कोलैबोरेशन है जिसमें हम रिसर्च करते हैं पाकिस्तान में बच्चों में जो मौरूसी बीमारियाँ। अक्सर लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या बच्चों के दिमागी अमराज का माहिर कौन होता है और वो किस किस्म की बीमारियों को डील करता है। तो मैं ये बताती चलूँ कि बच्चों की पैदाइश से लेके 20 साल की उम्र तक हम बच्चे देखते हैं, जो कि पैदाइश पे डिलीवरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों का देर से रोना, सांस में मसला हो जाना, और पैदाइश पे जो झटके लगते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। फिर जो जो बच्चा बढ़ता जाता है उसकी ब्रेन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, याददाश्त, बच्चों का देर से बोलना, देर से चलना, इन सब चीज़ों के भी हम डील करते हैं। उर्फ़ आम में जिसे एपिलेप्सी या मिर्गी कहा जाता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और बहुत सारी इकसाम होती हैं। आम लोगों का ख्याल होता है कि वो बच्चे ठीक नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% हम उन बच्चों का इलाज करते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। एक और बीमारी जो आजकल बहुत आम है बच्चों में देखने में आई है, वो है माइग्रेन, आधे सर का दर्द, जो कि बड़ों में तो आधे सर के दर्द के साथ ही प्रेजेंट होता है, लेकिन बच्चे में पूरे सर का दर्द भी होता है, आंखों में भी दर्द होता है और गर्दन में भी। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी जो एक सबसे कॉमन वजह है वो जो है गैजेट यूज़, जिसको हम स्क्रीन टाइम भी कहते हैं। इसमें आपके पास मोबाइल का इस्तेमाल करना, लैपटॉप और वीडियो गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चे अक्सर टाइम पे खाना नहीं खाते, देर से सोते हैं और रेस्ट नहीं करते। ये सब चीज़ें माइग्रेन को और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करती हैं। इसके अलावा बच्चों की पट्ठों की बीमारियाँ, उनकी नाड़ों की बीमारियाँ, कमज़ोरी, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होना, रोज़मर्रा के कामों में प्रॉब्लम होना, इस तरह के सारी पट्ठों की बीमारियाँ हम लोग डील करते हैं। आजकल अक्सर बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी देखने में आ रहे हैं, जो कि टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में बैठते नहीं हैं और उनको चीज़ें याद नहीं रहती। इन सब चीज़ों को भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। मिर्गी बच्चों में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और अक्सर हमारे माँ बाप में ये खदशा रहता है, हमारे माँ बाप को जो परेशानी होती है कि ये नाकाबिल इलाज है, तो ऐसी बात नहीं है। 80 to 90% मिर्गी काबिल इलाज है, तो उसे 2.5 साल का ट्रीटमेंट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसका जो मेन जो वजूहात होती हैं, जो इसकी वजह बनती है मिर्गी की, वो गर्दन तोड़ बुखार होना, बच्चे जो गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, सीढ़ियों से गिर गए या मोटर बाइक से गिर गए, उसके बाद भी मिर्गी डेवलप हो सकती है। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के सर में रसौली हो तो उसको भी मिर्गी का मर्ज़ हो सकता है। बच्चे झटके लगने के साथ आते हैं हमारे पास, और उसके बाद बेहोशी तारी हो जाती है, 1 to 2 घंटे तक बेहोश रहते हैं, पेशाब या पखाने का निकल जाना, ये सब मिर्गी की अलामत हैं। इन बच्चों के लिए हम दिमाग के कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें से एक टेस्ट है EEG, जिसमें दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर लीड्स लगाई जाती हैं और वो हमारे ब्रेन के अंदर की एक्टिविटी और वेव्स को चेक करती हैं, जो हमें बताता है कि बच्चों को किस किस्म की मिर्गी है और वो कितनी ज़्यादा है और वो कितने अरसे में ठीक होगी, हमें कितने अरसे तक अद्वियात देनी पड़ेंगी। इसके अलावा दिमाग का MRI कराते हैं या CT scan कराते हैं, और उसमें भी हमें पता चल जाता है कि बच्चे को झटके लगने की वजह उसका गर्दन तोड़ बुखार है, कोई रसौली है, या दिमाग में कोई ऐसी वजह नहीं है और बच्चे को मौरूसी तौर पे मिर्गी है। हमारे यहाँ बुखार के साथ झटके लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके साथ माएँ हमारे पास आती हैं। बुखार के साथ झटके लगना कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बुखार तेज़ हो या कम हो, बुखार के साथ अक्सर बच्चों को झटके लग जाते हैं, जो कि अमूमन 6 माह से लेकर 6 साल की उम्र तक लगते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, गले का ख़राब होना, पेशाब का इन्फेक्शन होना, पेट ख़राब होना, जब भी बच्चे को इन हालात में बुखार होगा उसको झटके लगेंगे। तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं वो ये है कि हम बच्चे को बुखार ना होने दें, और इन केस अगर बच्चे को बुखार हो भी जाता है तो उसके लिए हम अपने पेशेंट्स को इमरजेंसी मेडिसिन और अद्वियात
एडवाइज़ करते हैं कि जो ही बच्चे को बुखार हो आप ये अद्वियात दें ताकि उसे झटके की रोकथाम की जा सके, झटका लगे ही ना, और इन केस झटका लग जाए तो भी हम उसे इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं ताकि उसको अगले 2 से 3 दिन के अंदर झटका ना लगे। अमूमन बच्चों को फेब्राइल फिट्स 6 साल की उम्र तक चलते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आगे जाके ये मिर्गी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी भी फिर बहुत सारी अंदरूनी वजूहात होती हैं जिसमें मौरूसी बीमारियाँ होती हैं। एपिलेप्सी मौरूसी तौर पर ही उन बच्चों में पहले से मौजूद होती है जो बाद में ख़त्म नहीं होती और बाद में सामने आती है। इसके अलावा बच्चों के दिमाग में कोई ना कोई दिमाग का ना बनना या एबनॉर्मेलिटी किसी किस्म की हो सकती है। तो इस किस्म के बच्चे बहुत ही कम, मैंने आपको बताया कोई 5 से 10% के होते हैं जिनमें फेब्राइल फिट्स ख़त्म नहीं होते, वरना ये कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है, बस सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो डॉक्टर जैसे भी हिदायत दे तो मरीज़ को चाहिए कि उसको फॉलो करें। बच्चों में बच्चों की बीमारियों की 2 इकसाम होती हैं, एक वो बीमारियाँ जो किसी भी आम इन्फेक्शन की वजह से होती हैं जैसे गले का ख़राब होना, पेट का ख़राब होना, इसमें वायरस भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। इसमें जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं वो वायरल मायोसाइटिस है, GBS है। ये बीमारी 2 से लेकर 6 महीने तक रहती है और आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करके 6 महीने में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक होती हैं जो मौरूसी बीमारियाँ होती हैं जिसको हम मायोपैथी या न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। ये बीमारियाँ बच्चों में बचपन से ही मौजूद होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़्यादा क्लियरली हमें सामने आती हैं। पहले पहले वालदैन हमें जो शिकायत लेके आते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे जो है वो ज़मीन पे बैठते हैं और खड़े नहीं हो पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, अपने कपड़े खुद नहीं उतार सकते या पहन सकते, और खाने में दुश्वारी होना, ये सब इन सब चीज़ों के साथ ही हमारे पास आते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम EMG या नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं, और इस टेस्ट के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि बच्चों की नाड़ों में और बच्चों के पट्ठों में कहाँ पे मसला आ रहा है, और उसके मुताबिक बच्चों को अद्वियात देते हैं। जो मौरूसी बीमारियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा अच्छी तरह सामने आ जाती हैं और उनका इलाज कुछ मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि फिजियोथेरेपी से और अद्वियात से उनको कंट्रोल किया जा सके। आप बच्चों के दिमागी अमराज के बारे में मुझसे मशवरा ले सकते हैं, इसके लिए आप मरहम से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ मरहम के प्लेटफॉर्म से।